मिशन 19 का चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने रविवार शाम हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया था कि देश में आम चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। 23 मई को मतगणना के साथ ही देश में नई सरकार तय हो जाएगी। इसके साथ ही आयोग ने चुनावी आचार संहिता को लेकर भी संपूर्ण निर्देश जारी किया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि किस सीट पर कब होंगे लोकसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीट है। 11 अप्रैल को पहले चरण में 8 सीट पर होंगे मतदान, जहां सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर शामिल है। वहीं 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 8 सीट पर मतदान होंगे, जहां नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सिकरी में होंगे मतदान। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 10 सीट पर होंगे मतदान, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत में होंगे मतदान। 29 अप्रैल को चौथे चरण में 23 सीट पर होंगे मतदान, जहां साझापुर, खेड़ी, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फरोखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर भी शामिल है। 6 मई को पांचवें चरण में 14 सीट पर होंगे मतदान, जहां फिरोजाबाद, धौरहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, कैसरगंज, गोंडा भी शामिल है। 12 मई को छठे चरण में 14 सीट पर होंगे मतदान, जहां सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मजलिस शहर, भदोही में होंगे मतदान। 19 मई को आखिरी यानी सातवें चरण में होंगे मतदान, जहां महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सालेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।